ओए होए होए होए, क्या नजारे है। What a lovely morning, man! What a lovely morning. So this is Wicket Rider. Welcome back to the channel. तो आज है 5th जुलाई और कर्नाटका का न्यू गाइडलाइंस आ चुका है और यहाँ पे अभी जो भी कर्फ्यू था वीकेंड पे वो सारा हट चुका है। तो कल नहीं हटा था, कल संडे था, अदरवाइज कहीं राइड पे जाते, बट कोई बात नहीं, जैसा भी था। अभी एटलीस्ट लॉकडाउन खुल गया है, तो जो कमिंग सैटरडे है, कमिंग वाले सैटरडे पे हम लोगों का प्लान बन चुका है चिकमगलूर जाने का। और चिकमगलूर में एक स्टे है काफ़ी अच्छा, उसके पास में ऑफ रोडिंग ट्रेल है, वहाँ पे देखेंगे जाके। जो दो और फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं KTM 390 एडवेंचर लेके, और RR 310 पे खैर ऑफ रोडिंग तो नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी कि क्या बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग मुश्किल हो जाता है। लाइट ऑफ रोडिंग चलता है, बट अगर बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग ट्रेल ही है पूरा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि वी आर प्लानिंग फॉर लद्दाख राइड ऑल्सो इन अगस्त। तो अगस्त एंड में शायद जो है प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले जो है ऑफिस का छुट्टी और वो सारी चीज़ का सीन है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है कल बैंगलोर में, उसके चल के पूरा पानी वानी दिख रहा होगा, और पूरा भी ऐसा सा हो रखा है कि पूरा मिस्ट सी आ रही है हेलमेट पे। बट ये वाला वेदर सबसे बेस्ट होता है यार, मतलब मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था ऐसा वाला वेदर, और लिटरली ट्रस्ट मी मैन, मतलब बहुत बहुत टाइम हो गया था मतलब ऐसे राइड किए हुए। अभी फाइनली हो गया है, तो जैसे ही अनलॉक हुआ है राइड प्लान करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारी राइड्स हैं यार, बहुत सारी राइड्स हैं जो पेंडिंग हैं। और अभी के हिसाब से राइड जो फर्स्ट वाली रहेगी वो चिकमगलूर तो रहेगी, और जो अगस्त में राइड है वो लेह लद्दाख का सोच रहे हैं। लेह लद्दाख वाला ऑलमोस्ट 15-16 डेज का प्लान रहेगा, 2 दिन बफर का लेके चल रहे हैं। और भाई अरे क्या करूं, वो फ्रेंड की वैसे वेट कर रहा था। और लौंडे ये कौन सी ब्लैक वाइट है? घंटा भाई हाँ है। तो अभी जो राइड का प्लान है वो है नंदी हिल्स के गेट तक, क्योंकि आई डोंट थिंक सो नंदी हिल्स अलाउड होगा, ओपन होगा, तो वहाँ तक प्लान बनाया है। और काफ़ी अच्छा लोकेशन है शूट के लिए, मैं इसलिए कैमरा भी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ में। जो चिकमगलूर वाला है वो एक शॉर्ट सा प्लान है, 250-300 किलोमीटर का राइड है यहाँ से वन वे, और वहाँ पर एक दिन का स्टे रहेगा। सैटरडे को निकलने वाले हैं, सैटरडे को निकल के 4-5 आवर्स में पहुंच जाएंगे मैक्स, और वहां से उसके बाद ट्रेल के लिए निकलेंगे थोड़ी देर रेस्ट करके। उसके बाद में वहां से संडे को हम लोग वापस आ जाएंगे। पहले मैंने प्लान ये किया था कि मैं कोई सी बाइक लूँगा, कोई सी ऑफ रोड बाइक लूँगा, बट अभी सीन ये है कि अभी कोई सी बाइक अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए RR 310 से ही राइड मारेंगे। वैनेली से कर नहीं सकते, क्योंकि वैनेली से बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं हो सकता है, और काफ़ी रिस्की हो जाता है हैवी बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाना, क्योंकि अगर कहीं पे भी हल्का सा भी फंस गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लेह लद्दाख का कल मैं रात में एक्चुअली बैठ के मैं वही प्लान कर रहा था कि किस हिसाब से राइड कर सकते हैं। जो डेज हैं वो हमारे पास में हैं 16, जैसे कि अगर हम लोग मंडे से सैटरडे को राइड पे निकलते हैं, और सैटरडे को राइड पे निकलने के बाद में 2 वीक का अगर गैप देखें तो 5 डेज का हम लोगों को लीव लेना पड़ेगा। एंजॉय द वेदर मैन, एंजॉय द वेदर, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका है, और ऐसे वेदर में राइड मारने में अलग ही मज़ा रहता है।
काफी सारे बाइकर्स हैं वो ऑलरेडी निकल चुके हैं यहाँ से और हम लोग काफी पीछे हैं। अभी देखेंगे और नंदी हिल्स वाली लोकेशन पे जाके अगर कोई सा अच्छा शूट आ सकता है तो वो लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए भी बाबा कंटेंट बनाना पड़ता है और कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और ऐसा हो गया था कि बिल्कुल घर बैठे बैठे बोर हो गए थे। मैंने मैक्सिमम फोटोज आप लोगों ने देखी होगी सोसाइटी में ही ली है और मैक्सिमम फोटोज जो है मैंने सोसाइटी में लिए। ये देखो आज सबको ना वो एड्रेलिन बूस्ट आ रखा है तो दौड़ा रहे बस। ये देखो प्लेन, OMG वाटर क्रॉसिंग आ गई यहाँ पे तो तो यहाँ से अभी हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया है मेन हाईवे से जो आगे सीधा चला जाता है हैदराबाद। यहाँ वाला जो है रोड नंदी चला जाता है। देखेंगे यहाँ पे कोई सा अच्छा सा लोकेशन, वेट कर लेते हैं अपने बाकी राइडर्स का भी। हाँ पीते तो थोड़ा सा चाय पी जाए यहाँ पे और उसके बाद में आगे निकलेंगे। सो अपना जो चाय वाय वाला था ब्रेक हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स नंदी और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है बट दैट्स फाइन। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्चुअली वहाँ पे रोड है वो टर्निंग वाली है तो एक कॉर्नरिंग वाला लेते हुए शूट लेंगे बट इट्स बिट रिस्की क्योंकि अभी जिस हिसाब से रोड है पूरा गीला है तो कॉर्नरिंग हो नहीं पाएगा। बट यार आज बहुत मज़ा आ रहा है। आज अभी ऐसा ही वेदर चिकमगलूर में भी हो रखा होता है। चिकमगलूर में इवन वेदर जो है अभी से बेटर, मतलब यहाँ से और बेटर होता है और वहाँ पे तो लिटरली मतलब ठंडा लगने लग जाता है। पहाड़ियाँ देख रहे हो, पहाड़ियाँ ये वाली एक्चुअली नंदी से लगी हुई रेंज है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आसपास और भी सारी लोकेशन है बट अभी के लिए हम लोग नंदी हिल्स ही जा रहे हैं। ये वाला रोड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरा आसपास पेड़ है। राइट साइड में देख लो यहाँ पे छोटा सा पहाड़ी है एक और थोड़ा सा और आगे जाके यही मतलब इसी का ही रेंज में जो पूरा पड़ता है वो नंदी हिल्स पड़ता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है बैंगलोर की। तो अभी सन ऊपर आ चुका है बट अभी क्लाउडी है मौसम तो पूरा पता नहीं लग रहा है। और अभी यहाँ से जो है मेन रास्ता शुरू हो जाता है नंदी हिल्स का और मस्त वाला रास्ता है यहाँ पूरा। तो ये वाला गेट है ये भी खुल गया, अभी पहले नहीं खुला होता था। और यहाँ पे देख लो बहुत सही। तो अभी हम लोगों ने फोटोज थोड़ी बहुत क्लिक कर ली है। अभी कैमरा निकालूंगा मैं थोड़ा सा ऊपर जाके तो जो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ है वो अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे। अच्छा लग रहा था मेरे को काफ़ी रुक के। यहाँ से और आगे जाएंगे और अच्छी लोकेशन आएगी। और ये देखो रोड यहाँ की बहुत अच्छी बनी है, मतलब इधर से पूरा नंदी हिल्स ऊपर तक जाने का। ऐसी वाली रोड में स्पेशली इतना मज़ा आता है ना, मतलब चला के पूरा रोड। अभी यहाँ से लद्दाख राइड पे जब जाएंगे तब भी मज़ा आएगा।
अभी थोड़ा सा और अगर सुबह आते हैं, वैसे तो ये 6 बजे के बाद खुलता है गेट जो है नंदी हिल्स का, बट अगर थोड़ा सा और सुबह आते हैं तो किसी किसी दिन आपको ऐसा मिल जाएगा कि पूरा क्लाउडी रहता है यहाँ पे वेदर, और वो वाला वेदर तो बहुत सही लगता है। यहाँ से देखो कितना ब्यूटीफुल जगह लग रहा है, वो वाला जो पहाड़ी है वो बहुत सही दिख रहा है यहाँ से। ये देखो यार, थोड़ा सा और ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, ये वाला लोकेशन बहुत सही लग रहा है। जिगरा है भाई ऐसे वाले साइकिलिंग करने वालों के लिए, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा साइकिलिंग मैंने कभी कभी नहीं की, मतलब थोड़ा सा भी। बैंगलोर वैसे भी थोड़ा सा इंक्लाइंड ही है और रोड जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बट इतना साइकिलिंग मेरे से तो नहीं हो पाता। सो ये वाला जो गेट है ये नंदी हिल्स का है, और वी आर ऑन द टॉप ऑफ नंदी हिल्स। थोड़ा सा और अंदर जाके भी है बट आई डोंट थिंक सो, अभी पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है, लेट्स सी। क्या बात क्या बात है, डॉक्टर मार रहे, तुम किधर गए? क्या बात है, आजकल अपने को भी सब्सक्राइबर्स मिलने लग गए भाई काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक और बंदा था जिसको RR-310 डिलीवर हुई थी थोड़ा टाइम पहले, और उसने मेरा यूट्यूब चैनल और जो इंस्टाग्राम पेज है वो देखा था, सो ही रीच्ड आउट टू मी। ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे वापस, और वापस जाते टाइम में अच्छी सी लोकेशन मिलेगी तो वहाँ पर करेंगे शूट, और शूट करने के बाद में सीधे निकलेंगे ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट के बाद में वील गो बैक। यहाँ से देख लो नज़ारे, एक्चुअली नीचे जाते टाइम में ज़्यादा दिख रहे हैं। कल एक्चुअली काफ़ी देर बारिश हुआ है तो ये पूरा रोड अजीब सा हो रखा है, और ना ये वाला रोड अच्छा था कॉर्नरिंग शॉट लेने के लिए, बट लेट्स सी और भी है। ओए होए होए होए, क्या नज़ारे हैं, तुम्हारा इसमें आ गया। यहाँ से थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं तो ये इधर वाला व्यू आना खत्म हो जाता है, बट यहाँ से अगर देखते हैं जो इनिशियल की चढ़ान है वहां से बहुत सही दिखता है। सो गाइज, अपना जो फोटोशूट है वो हो चुका है एंड वी आर नाउ गोइंग बैक। काफ़ी अच्छा था, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को फोटोज़ मिल जाएंगी, विकेट राइडर ऑफिशियल इज़ माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी देयर, और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। बहुत सही यार, बहुत सही। तो आज का राइड काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आ गया, यहाँ पे काफ़ी दिन बाद आया मैं, फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे, अगर बैंगलोर में कभी भी राइड मारना है, थोड़ा सा हिली एरिया का व्यू चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो। सो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट डाउन करके बता दो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो, और आने वाली राइड्स में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, आगे चिकमगलू जाने वाले हम लोग, और काफ़ी सारे प्लान हैं इस साल के, और मज़ा आएगा ओवरऑल। So that's it for today. This is Vicket Rider signing off. Take care. Bye bye. See you in the next vlog.